मेरे भाई को मार पड़ती थी ना, और मुझे 1000% पता होता था अगली बारी मेरी है, और मुझे अच्छा। मार पड़ती थी। सामने हमारे देवी खाला रहती थी एक, वो बेचारी उनका उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनको सारा मोहल्ला तंग करता था। मैं उनको जाके कहता था कि प्लीज मुझे गोद ले लें, तो वो कहते थे तेरे जैसी औलाद किसी को ना। मैं नहीं नमाज पढ़ता, सही बता, सिर्फ रोजा रखा हुआ है। ये अम्मी कहती थी मुझे कि तू नमाजा नहीं ना पढ़ता, तू रोजे रखना, हाँ, ए पुत्र तेरे फाके ने, तू मैं 5 बजे समझ उठ के कहना रोजा लग रहा है, गई। 1.5 घंटा तो पीछे रह गया, सारा दिन तो तू सोता रहे। अम्मी का जब इंतकाल हो गया तो अम्मी का वॉशरूम जो है वो बीच में ही निकल गया था। मुझे मेरी बहनों ने और मेरी बेगम ने बताया कि इस औरत ने अपने हाथों से उनके कपड़े साफ किए, उनका चेंज किया, उनके वो जो हमारा कारपेट था उसको इसने साफ किया, फिर वहां पे दुरूदो सलाम की तस्बीह की। वो यकीन करें, जब उन्होंने मुझे बात बताई, अभी भी मैं ये बात बता रहा हूँ, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैंने अल्लाह ताला से उसी वक्त, जब मैं अपनी माँ के गम में था, मैंने रोते हुए ये दुआ की दिल में, और मैंने इनसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगी, और मैंने कहा कि आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत बुरा जज किया है। तकरीबन कुछ 13,000 हमारी यूनिवर्सिटी में लोग थे, जब मैं यासिर शामी नहीं भी था, हम यूनिवर्सिटी में भी स्टार थे, हम डिबेटिंग कॉम्पिटिशन होते थे तो उसमें भी हमारी पहली पोजिशन होती थी। म्यूजिक सोसाइटी के हम वहां पे किस यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट में थे थे, आप? यूएमटी में। तो वहां अच्छा पर अभी भी वो सारी लड़कियां माशाल्लाह हयात होंगी। अच्छा जाहिर आप बात है। कोई भी, अच्छा आप मेरा मकसद मैक्सिमम ये होता था इनसे मैं बिरयानी खा लूं, फेंटा की बोतल पी लूं, मेरा बीपी लो होना शुरू लेकिन हो जाता, मेरा जूस पी भाई लो, प्यारा है ना, बस यहाँ तो तक। यानी कि किसी को मैं कोई किसी के साथ कोई एक्स्ट्रा कैलकुलर एक्टिविटीज नहीं की लेकिन मैंने, आप प्यारे हैं ना, तो आपके नहीं पास बस काफी ज्यादा ऑप्शंस आती होंगी। आ थी। लेकिन मेरा मिशन जो था ना वो बिरयानी और फैंटा थी, क्योंकि मेरी जेब में पैसे नहीं अभी थे। भाभी जेलस होती हैं आपसे, कभी नहीं कभी प्यारी प्यारी लड़कियां आ जाएं। नहीं वो इस मामले में उसको पता है मेरी फील्ड ही ऐसी है, तो अच्छा, वो मुझे लीनियंसी देती है। कॉपरेटिव है। हाँ उसे पता है मैंने इसे मना करना है, फिर भी इसने काम इनके साथ ही करना है, मैंने नहीं मना करना, फिर भी इसने इसके साथ, तो अब उसको वो समझ आ चुकी है। लेकिन एक जिबिल्लत में है इंसान में, हाँ पोजेसिवनेस होती है, आपका हाँ पार्टनर होता है कोई भी। फोन तो नहीं भाभी चेक करती? नहीं नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल अच्छा, ऐसा नहीं है, फोन पे लॉक लगा हुआ है। मेरा लॉग नहीं, मेरा पासवर्ड भी उसको पता है, अच्छा, फिर ठीक लेकिन वो है। चेक नहीं करते, ये माशाल्लाह, उसकी एक बड़ी। दैट्स वेरी नाइस। और ये चीजें हमें सीखनी चाहिए, क्योंकि हाँ आजकल आपको पता है कि हर मियाँ बीवी को, मैंने आज तक ऐसे मियाँ बीवी नहीं देखे जो एक दूसरे के फोन पे एक्सेस मेरा रखे हैं। मोबाइल अगर रूम में पड़ा है ना हाँ। और मैं भूल गया हूँ और मैं रिकॉर्डिंग पे चला गया हूँ, तो मुझे ये टेंशन नहीं होती मैंने घर से मोबाइल उठाना है, मैं कह देता हूँ बस जाके उठा लूंगा, मुझे पता है वो जहां पर पड़ा है वो वहीं पर पड़ा रहेगा, उसने चेक नहीं करना। और अगर मैंने उसको कहना कि मेरा मोबाइल वहां से उठा के ला दो, आमतौर पर हस्बैंड इस तरह से नहीं करते, उसने उठाकर मुझे दे देना, माशाल्लाह, उसने देखना भी नहीं है। यू आर वन लकी पर्सन। अच्छा, ये बताएं तो मुझे कि लगता है जब कोई इस रिलेशन में आपको आजादी देता है आप कैद हो जाते हो, और हाँ, जब आपको कोई कैद करने की कोशिश करता है ना तो फिर आप आजादी चाह रहे होते हो। गहरी बात की आपने। तो बस जो कोई आपको आजादी, आप आजाद रहे अपने रिलेशन में, आप हाँ। कैद हो जाते हैं खुद ब खुद, आपको प्यार हो जाता है पिंजरे से ना, फिर आपको अब उड़ने को दिल ही नहीं करता, आप कहते हैं पिंजरा ही सब कुछ है। अच्छा, अल्लाह की सबसे ज्यादा किस नेमत का शुक्र अदा करते? तो मुझे लगता है सबसे बड़ी जो नेमत है ना अल्लाह की, वो वालदैन है। आपके अब्बू भी बड़े क्यूट से, मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। वो हाँ वॉक कर रहे होते हैं वहां पर और बड़े चुप चुप से रहते हैं, हाँ लेकिन खामोश तबीयत है बहुत अब्बू। अच्छे। तो अब्बू का कभी आपने इससे जिक्र नहीं किया कि अब्बू के साथ कैसी दोस्ती रही? अब्बू से मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती है, लेकिन अब्बू से जरा प्यार मेरा ना एक्सप्रेसिव नहीं है। मैंने देखा है। हम जो मिडिल हाँ। क्लास लोग होते हैं ना, या खास तौर पर जो जिनका जरा देसी बैकग्राउंड होता है, हम शाये होते हैं अपने बड़े वालिद पे। DHA के घर में रहते हैं, ऑडी चलाते हैं, और मिडिल यार ये क्लास। तो बस ऐसे ही अब आ गई है ना, अच्छा। तो मैंने सोची तो नहीं थी, या हाँ, मैंने सोचा नहीं था मैं DHA रहूंगा, ये तो आगे अल्लाह ने दे दी, माशाल्लाह माँ बाप माशाल्लाह की दुआएं थी। हम माशाल्लाह। लोग अपने बाप के साथ ना, हम लोगों का प्यार एक्सप्रेसिव नहीं होता, हम शर्माते हैं, हम डरते हैं, हमें रिलक्टेंस होती है, अभी तक होती है? झिझक होती यू है। आर सच अ स्टार, सारी दुनिया के आगे बोलते हैं। मैं अब्बू मेरे सामने बैठे हो मुझसे नहीं बात होती, अब्बू मेरी वीडियो देख रहे हो ना हाँ तो मैं उठ के बाहर चला जाता हूँ, मुझे शर्म आ रही होती है। समझ नहीं, अम्मी के साथ मेरा प्यार था हाँ वो मैंने देखा है। एक्सप्रेसिव, हाँ, जफ्फियां पाओ पप्पियां लो, आई समझ रहे ना, नो। अब्बू के साथ उस तरह के नहीं, अब अम्मी थी झिझकते भी हैं। बड़ी, आपकी ना खुश दिल टाइप लगती थी, वो हाँ यो फन लविंग टाइप ऐसे ही है, लगती तो वो बाप के साथ जरा प्यार ना एक्सप्रेसिव नहीं होता, लड़कों का नहीं होता, मुंडे ना मामा दे होंगे, मेरी अम्मी हाँ कहती होती थी हाँ तितियां प्यो दी होंगे हैं। हाँ लेकिन आपकी अम्मी की तियां भी आपकी अम्मी की हैं, वो मैंने देखा। आपकी अम्मी ने माशाल्लाह ऐसे ही इतना प्यार दिया। तो यासिर भाई, कौन सी, एक तो आपने वालदैन के बारे में बड़ी प्यारी बात की, मैं हमेशा ही कहती हूँ कि हमारी जिंदगी का आधा वक्त जो हमारे माँ बाप हयात होते हैं, सेहतमंद होते हैं, खुश होते हैं ना, उस वक्त हमें कोई गम नहीं होता। वो वक्त हमें सही जीना चाहिए।
क्योंकि वो वक्त जब माँ बाप हमें छोड़ के चले जाते हैं ना, तो बहुत एक मुश्किल होता है। एक कमी सी फील होती होगी। अच्छा, मुझे मेरे अक्सर दोस्त वो इकरार बदामी साहब, हम इकट्ठे बैठे हो ना, तो कभी वो त्रुथन देर खेलते थे। अम्मी की वफात से 15 दिन पहले मुझे इकरार ने कहा कि अब त्रुथन देर में सबका आया ना कि आपकी जिंदगी का हाँ सबसे बड़ा हाँ फेयर ट्रूथ क्या। एंड डेयर। तो जब अम्मी जिंदा थी तो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फेयर यही था कि अल्लाह ना करे मेरी अम्मी को कुछ हो गया तो मैं किस तरह से जीऊंगा, यानी कि उनकी हयात में मुझे ये वो था। दूसरी बात है, उनकी कमी ही नहीं कोई पूरी कर सकता, लेकिन सबसे ज्यादा जो तकलीफ दे बात है ना, अपने पेरेंट्स को अपने सामने आपने ना बूढ़े होते आप देख रहे होते हो, लागर होते देख रहे होते हो, अब वो इंसुलिन लगाते हैं ना, लेकिन अंकल तो फिट है, मैंने हाँ देखा नहीं है शुगर है ना माशाल्लाह। उन्हें, तो अच्छा वो जब इंसुलिन लगाते हैं ना तो बड़ा तकलीफ दे मरहला होता है कि आपकी आंखों के सामने एक बंदा एक सुई लगा रहा है, ठीक है। तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपके पास दौलत भी है, आपके पास पैसा भी है, आपके पास सारी चीजें हैं, लेकिन आप उस तकलीफ में से उस बंदे को नहीं निकाल सकते और वो देखा नहीं जाता आपसे। मैं तो बाहर चला जाता हूँ, नहीं देखी जाती चीजें। आपको पता है मेरे साथ भी आप ऐसा होता हाँ, है। तो आप अपनी आंखों के सामने अपने वालदैन को जब बूढ़ा होते है, लागर होते देखते हैं, वो कहते हैं वो साढ़े जोड़ा से दर्द हो रही है, उठा नहीं जा रहा, और ये वही है जो आपको उठा उठा के घूमते थे। तो वो फिर जब आप कंपैरिजन में रिलेट करते हैं ना चीजों को, तो बड़ा मुश्किल होता है। तो कोशिश करें जितनी है उनकी, आज जो हमने करना है हमारी औलाद ने वही सबक हमें सुनाना है ऊंची ऊंची आवाज में, हम चाहे अब उनकी नाफरमानी कर लें या वो। अब खिदमत तो हमने टूटी फूटी की है ना, ये अदा बिल्कुल। ही नहीं हो सकता। 9 माह जिसने पेट में रखा है नहीं माँ का उसकी हक जो अदा नहीं करना। तकालीफ है वो, तो अब जब कभी मैं बाप बनूंगा तो मुझे शायद तब ज्यादा अंदाजा हो कि वो किस तरह से होता है, सही कह लेकिन रहे मुझे हो, लगता है आप हक नहीं अदा कर नहीं सकते। कर सकते, नहीं कर सकते। और मैं भी ना अक्सर रात को मैं सोचती हूँ, मैं रोना शुरू जाती हूँ, कभी ऐसा भी वक्त आएगा मेरे अम्मी अबू नहीं होंगे, मैं भी रोना शुरू हो जाती हूँ। और मैं बहुत डरती हूँ अल्लाह मुझे किसी भी इम्तिहान से बचाए। बल्कि पता है बचपन में मैं दुआ करती थी कि मैं अपने अम्मी अबू से पहले फौत हो जाऊँ, मैं हमेशा ये दुआ हाँ करती थी कि मुझे देखना ना ये पड़े उन्हें। प्यार की पीक है। अम्मी थोड़ी सी हार्ट पेशेंट थी ना स्टार्ट में, 2007-08 में उनको हार्ट बाई कह रहा हूँ हार्ट अटैक आया था। ठीक है। उसके बाद मैं डर गया था बहुत ज्यादा। अम्मी सोई होती थी, मैं अम्मी के पेट पे हाथ रख के ना ये देखता हाँ था, सांस सांस। आ रहा है, सांस आ रहा है, बस आ रहा है तो ठीक है। यानी कि मेरी ये तब से ही उनसियत थी, तब से ये मेरी अटैचमेंट थी। तो ये होता है और ये होना चाहिए, मेरा ख्याल है होना चाहिए। अब तो हमने देखा है कि यूरोप का कल्चर जब से पाकिस्तान में आ गया है, ये फैमिली सिस्टम टूट गया है, लोग अपने वालदैन को ओल्ड एज होम में छोड़ आते हैं सेपरेट। और खुद सेपरेट रह रहे होते हैं, और ये जो आने वाली जो बहुएं हैं वो आकर उस फैमिली सिस्टम को तबाह करने की कोशिश करती हैं। मुझे लगता है उन लड़कियों का कसूर नहीं है, बल्कि आपकी बात बहुत सी औरतों तक पहुंचती है, ये मर्दों का कसूर है। ये लड़का ठीक हो ना तो वो बैलेंस रखता है, अपना बेटा ठीक नहीं होता हम किसी की बेटी को गलत कहते हैं, फैमिली सिस्टम टूटते ही तब है। अगली बंदी तो चाहती है कि मुझे प्राइवेसी मिले और मैं साइड पर हूँ, बिल्कुल जो जुड़े हुए लोग हैं एक जगह कनेक्टेड लोग हैं। बिल्कुल। हम छोटे घरों में रहते थे, 5 मरले के घर में ग्रीन टाउन में, तो हमें एक दूसरे का पता था, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या परेशानी है, किसको क्या बुखार है, सही कह कोई रहे नहीं हो। भी है तो कोई दूसरा ले गया। हम बड़े हाँ। घरों में जब आ गए ना, हमारी जो कनेक्टिविटी है ना वो भी खत्म हो गई, किसी को नहीं पता ये किनाल के घर में वो पीछे कमरे में अम्मी को क्या सब हो रहा कुछ तो है, मोबाइल हो गया ना, सब कुछ तो डाग यहाँ हो गया ना। रसी भी मोबाइल किसी पर हो किसी रही ने है। छुप के रोना है ना तो वो ऊपर जाके लॉबी में रोलेगा, किसी ने रोना है वो सामने पार्क में रोलेगा। जब एक 5 मरले का घर है ना तो आप मोहल्ले में भी नहीं रो सकते कहीं, अगर आपने कहीं रोना है तो सबको पता है कि इसका दुख क्या है, इसका सुख क्या है। तो बड़े घरों में आके हमारी कनेक्टिविटी खत्म होगी, छोटे घरों में रहना चाहिए, कनेक्टेड रहता है सही इंसान, कह जुड़ा रहे हुआ हो रहता आप, है। सही कह रहे हैं। और यासिर भाई आपका जो वालदेन से प्यार है ना, आप यकीन करें मैं हमेशा सोचती थी कि इस लड़के को अल्लाह ने इतना ब्लेस किया है, इसके पीछे पावर क्या है, इसके भाई पीछे यही है, ताकत क्या है। यही है। आपके माँ बाप की दुआ, हाँ स्पेशली बिल्कुल आपकी बिल्कुल, माँ की दुआ है, मैं तो माशाल्लाह। अक्सर कहता हूँ काम बड़ा नहीं है, दुआएं बड़ी हैं मेरे साथ। दुआएं वहां पर पहुंचाती हैं जहां पर आपको मेहनत नहीं पहुंचाती, मिन्नत जिसको हम कहते हैं या बिल्कुल। खिदमत कहते हैं। वो दिलीप कुमार से किसी ने पूछा कि किन लोगों को जवाल नहीं आता, उसने कहा खिदमत करने वालों को जवाल नहीं आता। कितनी प्यारी बात की। अच्छा आपके इतने बहन भाई हैं, सबसे मैं मिली हूँ, सब ज्यादा प्यार किसके किससे है? अम्मी के बाद किस बहन ने जगह ले ली उनकी? अम्मी के बाद जो मेरी बड़ी बहन है उससे मुझे ज्यादा प्यार है। और उन्होंने अम्मी वाली जगह ली, आपका उस तरह से लाड प्यार वाला हाँ कुछ करना है? ऑब्वियसली देखें, मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि मेरी माँ मर गई ना तो मेरी बड़ी बहनों की सूरत में मेरी माँ है, हाँ माशाल्लाह। लेकिन जो मेरी सबसे बड़ी बहन है असल में माँ उसकी मरी है। हाँ हाँ मैं तो और वो वो कहीं फील भी ज्यादा करती हैं। कहीं ना कहीं वो। और दूसरी बात है, जब मैं छोटा था तो क्योंकि हम 5 बहन भाई थे, तो हमारी क्वालिफिकेशन के लिए
स्ट्रगल मेरे अब्बू ने अकेले नहीं की, मेरी अम्मी ने भी की, मेरी अम्मी ने अब्बू के साथ मिलकर काम किया। माशाल्लाह। तो अम्मी तो चली जाती थी, अब्बू भी चले जाते थे, मैं घर में छोटा था। तो मेरी बड़ी बहन जो है अच्छा उसने मुझे मतलब बच्चों की तरह पाला, माशाल्लाह तो माशाल्लाह। इस वजह से फिर उधर भी है मोहब्बत। मुझे आपकी एक बात जो है ना, मैं उस पे उस वक्त से सोच रही हूँ कि आपकी अम्मी ने आपको मारा, आपकी नाक से खून निकल आया, और यू वर आजकल तो माएं बच्चों को एक थप्पड़ मार दें, गुस्से से डांट दें, तो बच्चे तो माँ को दुश्मन समझना शुरू हो जाते और यार ये तो कुछ छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे भाई को मार पड़ती थी ना, हाँ। और मुझे 1000% पता होता था अगली बारी मेरी है, और मुझे अच्छा मार पड़ती थी, यानी कि अम्मी ने सबको मारना फिर, और मुझे पता चल जाता था अगली बारी मेरी बैलेंस है। हाँ, बैलेंस सबको रखी मारना है, सबको मारना है, ठीक है। तो ये मुझे पता चल जाता था, अब भाई को पड़ गई है, अगली बारी गई। मेरी है, और वो पढ़नी पड़नी है, और मेरा कसूर भी नहीं है उस दिन का कोई भी, पिछली बात अम्मी ने कोई निकाली तो उस दिन हंधी की तासी, उस दिन की भी कसर निकल गई, यानी कि जब मार पड़ी है सबको इकट्ठे पड़ी है। और बहनों को भी पड़ती थी मार नहीं नहीं बहनों को नहीं, मुझे और भाई को पड़ती थी। है, बस बहनों को भी मारनी पड़ी। बहनों को तो अम्मी और अब्बू ने प्रोटोकॉल दिए हैं। अच्छा, बहन बहने हाँ, वो मारती नहीं कहते पड़ी थे आपको? ये चिड़िया, अम्मी कहते थे ये चिड़िया, अरे नहीं उठ जाना भानु में ठीक करना। अच्छा, बहने आपको मारती थी? हाँ मारते थे, मैं बहने छोटा था सबसे मार खाते थे भाई और आप, मैं बड़ा जिद्दी बड़ा बिगड़ा हुआ बच्चा था, ये तो अब थोड़ा सा अब सही हो ठीक गए हूँ। हैं हाँ पक्का? हाँ तो मुझे लगता है थोड़ा सा ठीक हूँ। शरारती था, बदतमीज नहीं था मैं, शरारती था, मतलब बेल बजा देनी। वो सामने हमारे बेबी खाला रहती थी एक, वो बेचारी उनका उनकी कोई औलाद नहीं थी, उनको सारा मोहल्ला तंग करता था, मैं उनको जाके कहता था कि प्लीज मुझे गोद ले लें, तो वो अच्छा कहते थे तेरे जैसी औलाद किसी को ना दे। तो वो इलेक्शन आते थे लेबर काउंसिलर के, जनरल काउंसिलर के, तो वो इतने इतने ना वो लोग थदियां दे देते थे ना कॉम्प्लेक्स की, मैंने सारी लेवी बनानी खुद और उनके दरवाजे पे लगा देने, और मकान बराए फरोख्त लिख देना। वो दरवाजा सुबह खोलते थे, लेवी सूख जाती थी, वो दरवाजा खोलता नहीं था, वो हैदराबाद की थी, वो कमबख्त मारा ये वो यासिर ही कर गया था। मैं फिर उनको जाके कहता था मुझे अभी गो, कहाँ है वो, कभी मुलाकात हुई? अब तो वो फोत हो गया, अल्लाह उनको जन्नत अच्छा, नसीब करे। तो आमीन आमीन। ऐसे ही उनके पास जाना, तो अजीब सी कोई उन्होंने वो रखी होनी ना वहां पे सोफा, तो मैंने उनको कह देना ये आपके जहेज का है, कहते तो चुप कर जा, हमारे दौर में जहेज नहीं होते थे। तो बहुत ज्यादा जो है ना, चलें यासिर भाई, मुझे बड़ा अच्छा लगा माशाल्लाह। आपकी सारी बातें मुझे ऐसे लगते जैसे एक बहुत ही प्यारा मुखलिस माँ बाप से प्यार करने वाला, और आपने अपनी पूरी फैमिली के साथ बहुत नेकियां की हैं, ये आपने मुझे कभी नहीं बताया, ना मुझे किसी ने बताया, लेकिन कुछ चीजें जो है वो अल्लाह की तरफ से नजर भी आती हैं। आप जैसे लोग जो होते हैं ना, वो एक फैमिली का सहारा होते हैं, पिलर होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। और आप एक रोल मॉडल हैं। ये मैं आप लोगों को इसलिए भी बता रही हूँ कि यासिर भाई, चूंकि हमारी, मैंने बताया कि हमारी दीवारें, हम बहुत ही करीबी नेबर और मेरे भाइयों की तरह, मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। इन्होंने ना सिर्फ अपने आप को अपलिफ्ट किया, इंसान कभी कुछ होते हैं ना जो सिर्फ खुद को उठाते हैं, आपने अपनी पूरी फैमिली हाँ को उठाया। सबको, और उनको अगर आप नहीं उठाते तो मुझे लगता है कि आप दुनिया में कोई भी बंदा देख लें जो कामयाब हुआ ना, इसको अल्लाह ने दौलत दी है, जिसने अपने बहन भाइयों को अपने से जुड़े हुए लोगों को उठाया ना, हाँ। अल्लाह ने उसको नवाजा है। तो कभी दुख नहीं होता कि फलाने बंदे के लिए मैंने इतना किया, उसने मेरी नहीं नहीं नाशुक्री की? एक्सपेक्टेशंस तो है ही नहीं ना, अब मैं अच्छा, अब अल्लाह मुझे इतना दे रहा है तो मैंने तो अल्लाह के लिए कुछ नहीं किया, अल्लाह ने तो कभी मुझसे गिला नहीं ना किया, मैंने माशाल्लाह। नमाज पढ़ता, सही बता, सिर्फ रोजा रखा हुआ है ये, मैं ये समझता हूँ। वो अम्मी कहती थी मुझे कि तू नमाजा नहीं ना पढ़ता, तू रोजे रखना, हाँ। ऐ पुत्र तेरे फाके ने, माय ऐसी कहती ऐ तेरे रोजे नहीं, है, तू माय 5 बजे उठ ऐसी के कहना रोजा लग रहा है, 1.5 घंटा तो पीछे रह गया, सारा दिन तो सोता रहे। तो मुझे लगता है कि वो इबादत भी हम उस तरीके से तो हक नहीं अदा करते ना, तो वो नवाज रहा है, कोई तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी। हाँ, जिस बंदे को आपने दिया है और उस बंदे ने आपको गाली दे दी तो समझ लें वो कबूल। अगर आपको, आप फाउंडेशन का काम कर रही है ना, इसमें आपको बड़े लोग कहते होंगे कि यार राबी ने खान पी नहीं, आपके बहन भाई कहते होंगे, नहीं, अच्छा लगता। या बहन भाई नहीं कहते, जुड़े हुए लोग कहते होंगे, मुंह पे नहीं कहते होंगे, हाँ, आपकी पीछे गैर कहते मौजूदगी होंगे। में कहते हाँ होंगे, तो ये समझ लें आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। हजरत अली का ये कोट है कि अगर आप किसी राह खुदा में किसी ऐसे काम पर, मिशन पर हैं जिसमें कोई मुश्किलात परेशानियां या मुलामत नहीं आ रही, तो समझ लें वो इस बात की दलील है, आप गलत रास्ते। पत्थर उन्हीं को पड़ते हैं जो, जिन्होंने कोई बड़ा काम करना हो। यासिर भाई कितने डीप हैं, ये लोगों को नहीं पता चलना था, और ये बड़ी कमाल नहीं की नहीं बात बस है ऐसे ही यासिर है, भाई, हकीकत है ना ये, माशाल्लाह। हकीकत ही है। आपकी जो विजडम है, आपकी बातों से तो नहीं लगता, बातों में तो आपने इसको जुगत मारी, इसको जुगत मारी, ये किया वो किया, प्रोग्राम बस कर ठीक है, लिया। जो बिक रहा है हम तो वही बेच रहे हैं, अम्मी जरूरत नहीं है किसी और चीज को बेचने हंसा की। करती थी आपकी फुल वीडियो से। अम्मी, ये अम्मी से सेंस ऑफ ह्यूमर आया है मेरा, हाँ, वैसे मैंने सुना आपकी अम्मा की सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ी अम्मी अच्छी तो बहुत ज्यादा माशाल्लाह। है।
माशाल्लाह। और मुझे बहुत अच्छा लगा यासिर भाई आपके वक्त। बहुत शुक्रिया, मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। नहीं, और दूसरा आपका जो कनेक्शन है फैमिली से, आपकी जो विजडम की बात है उससे, आई एम श्योर कि आपके जो फैंस हैं, फैंस आपके बहुत नहीं है मैं बता दूं। नहीं, अभी बहन भाई हो गए लेकिन फैंस आपके माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत है। और बहुत कम लोगों को इस तरह होता है कि इतना प्यार भी मिले। बिल्कुल ऐसा है, लोग पहचान जाते हैं लेकिन देखिए ना, कुछ ऐसे भी लोग होते हैं ट्विटर पे आप देखें, वो बेचारे उनके फॉलोअर्स से ज्यादा लेकिन ऊपर से नीचे तक ना वो गालियां खा रहे होते हैं। जी जी ऐसे। तो आपको जो प्यार मिलता है ना तो वो बड़ा रेयर है, और वो आपके माँ बाप की। बिल्कुल ऐसे ही है, उनका शुक्रिया जो प्यार करते हैं। तो कोई ऐसा मैसेज जो आप उन्हें देना चाहेंगे, अपने फॉलोअर्स को, अपने प्यार करने वालों को? मुझे लगता है मैं अभी उस स्टेज पे नहीं हूँ कि मैं किसी को भी कोई। जिंदगी से क्या सीखा आपने? जिंदगी से मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आपने कामयाब होना ना, आपका कोई कंपेटिटर नहीं होता, इट्स यू वर्सेस यू होते हैं। कोई तीसरा बंदा आपकी जगह नहीं ले सकता, कोई बंदा आप किसी बंदे की वजह से आप पीछे नहीं रह सकते, किसी बंदे की वजह से आप आगे नहीं आ सकते। तो जिंदगी में अपनी नीयत साफ रखें, जो आ रहा है ना आने दें, ये मैदान है, और पॉजिटिव रहें। दुनिया की कोई ताकत मेरा नहीं ख्याल आपको रोक सकती, और आपका कॉम्पिटिशन किसी के साथ नहीं, आपका अपने साथ ही कॉम्पिटिशन। नीयत साफ रखें, लेग पुलिंग ना करें, आप किसी की करेंगे तो किसी अगली जगह पर आती हो। साफ रहें, रास्ता दें, रास्ता खुद ही बनता है। बहुत प्यारी बात, जज़ाकअल्लाह खैर यासिर भाई। थैंक यू सो मच। और अल्लाह करे कि आप अपनी जिंदगी में बहुत कामयाब हो। और ये मैं आप सबसे गुजारिश करूंगी, देखिए नेक लोगों के लिए दुआएं करने का भी बड़ा सवाब होता है। यासिर भाई की जो मम्मी है वो एक बहुत ही नेक खातून थी, और ये मैं आपको इसलिए कह सकती हूँ कि उनके आखिरी औकात में मैंने उनको देखा और मुझे उनसे एक बहुत ताज़ा हवा सी, एक खुशबू सी आई जो कि बड़े कम लोगों में आती है। यासिर भाई की अम्मी के लिए हम सब ने मिलकर दुआ करनी है। एक बात मैं यहाँ पे छोटी सी ऐड करना चाहता हूँ राबी के बारे में, और ये इस मामले में मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा, मैं रोजे से हूँ और इस वक्त असर का टाइम है, और रोजा जो है वो सिर्फ खुलने को है, और असर के वक्त जो है वो रोजे की मकबूलियत और कबूलियत भी ज्यादा होती है। मेरा राबी के बारे में जो माइंड सेट था जिस तरीके से, और मुझे ये कह लेने दें प्लीज, प्लीज अगर माइंड है, मेरे एक माइंड में था कि राबी की वीडियोस पूरे पाकिस्तान ने देखी और जिस तरीके से, और मेरा भी वही थिंकिंग थी जो पूरी दुनिया में शायद इनके चाहने वालों की हो। लेकिन जिस दिन मेरी अम्मी का इंतकाल हुआ, मेरे घर में सिर्फ मेरी बेगम, मेरी छोटी बहन, दो बहनें अभी आई नहीं थी, और ये बहन बनकर वहाँ ये साथ वाले घर में हमारे आई। इन्होंने मतलब अम्मी का जब इंतकाल हो गया, अम्मी का वॉशरूम जो है वो बीच में निकल गया था, मुझे मेरी बहनों ने और मेरी बेगम ने बताया कि इसने, इस औरत ने अपने हाथों से उनके कपड़े साफ किए, उनका चेंज किया, उनके वो जो हमारा कारपेट था उसको इसने साफ किया, फिर वहाँ पे दुरूद व सलाम की तस्बीह की। वो यकीन करें, जब उन्होंने मुझे बात बताई, अभी मैं ये बात बता रहा हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। मैंने अल्लाह ताला से उसी वक्त जब मैं अपनी माँ के गम में था, मैंने रोते हुए ये दुआ की दिल में, और मैंने इनसे भी हाथ जोड़कर माफी मांगी, और मैंने कहा कि आप मुझे माफ कर दें, मैंने आपको बहुत बुरा जज किया है, और आपका ये जो मामला है ये मैंने अपनी आंखों से देखा, और ये मैं चाहता था ये मैं किसी प्लेटफॉर्म पर ये बताऊं। राबी अब वो वाली राबी नहीं है, और अब राबी कुछ हो रही है। जज़ाकअल्लाह खैर भाई, अल्लाह आपको खुश रखे, और हम सब ने यासिर भाई की अम्मी के लिए दुआ करनी है, दिल से दुआ करनी है। आपके लिए बहुत सारी दुआएं, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया, और आपको बहुत बहुत रमजान मुबारक।